वेलकम टू आवर स्टोर, व्हाट डू यू वांट टू परचेज एंड हाउ मे आई हेल्प यू। उसको जिस जुबान में समझ आ रही है बात, आपको उस जुबान में उसको समझाना है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट आता है कि सर ये आपका है, ये दे वर नॉट अपोलोजेटिक एट ऑल, हमारी एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि ये होने वाला हमारे साथ, हमें पता होता है हमारी कोई इज्जत नहीं होनी। इफ अ कस्टमर इज स्पीकिंग टू यू और आप उसकी कॉल को बीच में बंद कर दो, मेरे ख्याल है इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता सेल्स की दुनिया में। ठीक है, अब मुझे कह रहा है क्या करना है, मैंने कहा क्या करना है, हो गया, लग गए। हेलो एवरीवन, कस्टमर सपोर्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल है कि हम कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, हमारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, और हमें आए रोज़ हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ फ़ोन पे बात करें, चैट पे बात करें, मुख्तलिफ ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ चैट पे बात करें, फ़ोन पे बात करें, तो जो एक्सपीरियंस हमें आगे से मिलता है वो एक बड़ा पैथेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरे ख्याल है कि एक ग्राउंड सेट किया है हमने आज की पॉडकास्ट का। तो ज़ुमान साहब, आप इसके ऊपर हमें बताएं कि कस्टमर सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है, सेल्स की जो कस्टमर सपोर्ट होती है, वो दुनिया में क्या है और हमारे यहाँ क्या है। देखें विकास भाई, अगर मैं बात करूँ ना कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप सेलर हैं, आप किसी चीज़ को, किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हैं, असल चीज़ है कि अगर उसको कोई टेक्निकल फॉल्ट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आई, या जो भी इशू टेक्निकल फॉल्ट का या वट एवर द इशू is he is going to face, उसमें आता है तो वो किससे पूछेगा। सवाल है मेरा कि मतलब किससे पूछेगा, कोई ना कोई तो होगा जो उसको एड्रेस करेगा, उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि 100% वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के कंपेरिजन में अगर मैं चीज़ को लेके आऊँ तो हमारे मुल्क में उसका तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, और इंटरनेशनली फिर क्या है कि कम से कम वो लोग आपको कॉल करते हैं, आपको एड्रेस, आपके इश्यूज़ को सुनते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, अगर वो आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो कर देते हैं, अगर इन केस वो नहीं भी कर सकते तो उसका एक तरीका होता है, अपोलोजेटिक बिहेवियर होता है कि जी हमारी ये पॉलिसी नहीं है या वट एवर, हम ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारे उस ओरा के अंदर आपकी चीज़ नहीं फॉल करती। तो अगर यही चीज़ हमारे यहाँ पे हो, ये इसको कोड ऑफ कंडक्ट हम कह सकते हैं, हाँ एथिकल एथिक्स है, बेसिक एथिक्स है। मैं कहूँ ये ऐसे ही है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, आपसे, आप टीचर हैं, स्टूडेंट आता है आपके पास अपना एक मसला लेके आता है कि सर आपने मुझे एक चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है मैंने वो असाइनमेंट करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुई, तो आई एम फेसिंग सम इशूज़, वो आपके पास आए और आप उसे कहें नहीं मुझे नहीं पता, या आप उसकी बात सुनी बगैर आप चले जाएँ कि सॉरी मेरी ज्यूरिस्डिक्शन खत्म हो गई है, आपको मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि आप करते हैं नहीं करते जो भी है, हाँ मतलब तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू आर ऑन योर ओन, तो भाई फिर वो रिलेशन कहाँ है, असल चीज़ तो वो रिलेशन है कि आपने मुझे एक चीज़ दे दी, मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर या अपने सराउंडिंग्स में, मुझे वो चीज़ नहीं उस तरह से फिट बैठी जिस तरह से आपने मुझे कहा था, नहीं बैठी तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू। अच्छा, इसमें एक तो चीज़, ये जो पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किया मेरे ख्याल है ये है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना किसी कस्टमर को ना, कि किसी सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो ये है कि हम किसी को फैसिलिटेट करें, दूसरी तरफ हमें कस्टमर सपोर्ट कर देना आता भी नहीं है, मतलब बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, इंग्लिश हमारी, अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कितने उसके अंदर प्रोफिशिएंट हैं, और अगले बंदे को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल है प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में आता है, इवन कि हमारे टाइप किए हुए कैरेक्टर्स के अंदर भी आता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या एक पंजाबी में या बिल्कुल एक इंग्लिश ऑडियंस है और आप उसको पंजाबी के अंदर, या उर्दू ऑडियंस है आप उसको इंग्लिश के अंदर, और वो भी आप ऐसी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपको नहीं आता, तो यहाँ पर क्या मसला आ सकता है। अच्छा, इसमें मैं अपनी चूँकि पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, लैंग्वेज इज़ नॉट द इशू अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मार्केटिंग में हम सेल्स एंड मार्केटिंग में एक चीज़ पढ़ते हैं, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब अगर मैं सादा अल्फाज में अपने डिस्कशन में बताऊं कि वो वही है कि आपके सामने जो आपका ख़रीदार है या जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको जिस जुबान में समझ आ रही है बात, आपको उस जुबान में उसको समझाना है। एग्जैक्टली, सिंपल इज़ दैट, इतनी सी बात है। हमारे यहाँ इशू क्या होता है कि आप एक मतलब कोई भी गांव देहात का अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता है, उसने ऑनलाइन जाके ऑर्डर प्लेस किया,
आप नोट करें कि प्री डिफाइंड जो बॉट मैसेजेस होते हैं exactly. उसको इंग्लिश में आ जाता है कि हे वेलकम टू आवर स्टोर, व्हाट डू यू वांट टू परचेज एंड हाउ मे आई हेल्प यू। मेरा सवाल ये है, अगर मैं एक चिट्टा अनपढ़ हूँ, मेरी एजुकेशन है नहीं, लेकिन मुझे ऑनलाइन जो है मैं शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे एक चीज़ पसंद आ गई है, आप मुझे इंग्लिश उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं मिली, ठीक है, आपने क्या परचेज कर लो, अब वो बेचारा उसको अवेयरनेस भी नहीं है ना ऑनलाइन की, उसने फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है, उसको चीज़ पसंद आई हुई है, आपका दूसरे साइड पे बंदा बैठा, या आपने बॉट बिठाया हुआ है, या आपने एक किसी को 25-30,000-40,000 में सैलरी दे के बंदा बिठा दिया है, वो एक फॉर्मल स्टाइल में क्या है जी, इंग्लिश का प्री डिफाइंड उसको आपने फॉर्मेट दे दिया था, उसने क्या किया जाके मैसेजिंग चैट में, वो जैसे होता है कि आप किसी की वेबसाइट पे थोड़ी देर स्टे करें ना तो आपको पॉपअप मैसेज आता ऐसा है, ही है बिल्कुल, कि वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है, वो तो कहीं भी आ जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ योर ऑडियंस, कि जो आपके सामने बंदा आ रहा है आप उसको जज ना करें, आप उसको देखें कि वो क्या लैंग्वेज बात कर रहा है, उसने अगर इनिशिएट किया चैट तो उसने किस तरह की लैंग्वेज में चैट इनिशिएट किया और उसके हिसाब से आप उसको मोड करें। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने कहा कि एक बंदा हायर किया जाता है 25-30,000 चलती है, मेरे ख्याल इससे भी कम किया जाता है, तो उसको तो सेल्स की ट्रेनिंग्स होती नहीं है, बल्कि हम आप एक माशाल्लाह एजेंसी ओनर हैं, आपके एक्सपीरियंस में तो कितने बिजनेस ओनर्स आए होंगे जिनको खुद सेल्स ट्रेनिंग्स नहीं होती। यही इशू है, मैं बात करूं कि हम बात करेंगे यार उस 15-20-25-30,000 वाले बंदे की, सवाल ये है कि जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो उस चीज़ को नहीं पहचानते, उस चीज़ को नहीं समझते कि यार कैसे एड्रेस करना है एक कस्टमर को। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, मतलब मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मैं एक रेस्टोरेंट पे, यानी कि मैंने एक बार खाना खाया फैमिली के साथ जाके, मेरे ख्याल हम नाम ले सकते हैं रेस्टोरेंट्स का, है मेरा ख्याल है हमें कोई डिस्क्लेमर रखने की नहीं, नाम ले भी सकते हैं, लेकिन आई गेस मुझे उस रेस्टोरेंट का एग्जैक्टली नाम अभी याद भी नहीं होगा, सही है, तो वरना लेना भी चाहिए, इनको थोड़ा सा अकल आई है इनको कि ये करते क्या है। रेस्टोरेंट पे गया तो वहाँ पे देखें आप मेजरली इशूज एम्बियंस देखते हैं, कटलरी वगैरह देखते हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई इसी तरह का कोई इशू था, साफ नहीं थे बर्तन वगैरह, बर्तन साफ नहीं थे, उन्होंने आके ला के रखे, जैसे वो होता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब जारी बात है उस बेचारे ने अपना काम करना है, उसको एक प्री डिफाइंड आपने फॉर्मेट दिया हुआ है कि यार व्हेन एवर कस्टमर अराइव्स आपने जाना है, जाके सर्व करना है और आपने प्लेट रखनी वापस आ जाना है, उसने रखा चला गया, ठीक है, अब खैर उस टाइम जारी बात है जब आपके सामने प्लेट्स आती हैं प्लेट्स तो नहीं उठा के रखते, आप थोड़ी देर के बाद आप जब आप बर्तन देखते हैं उसमें आप कोई चीज़ नजर आएगी, आप बुलाएंगे कि यार ये मसला है, ऐसे ही है, ठीक है, अच्छा बजाय इसके कि आपको अगर मैं कहूँगा यार इस तरह की सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर घर वाला माहौल हो, आप मुझे एक बात बताएं, घर में अगर इस तरह हम किसी के सामने बर्तन रखें और आपके घर का कोई फर्द आके आपको ये कहे कि यार ये इशू है, तो मैं तो बल्कि उस प्लेट को उठा के जाके साफ करके वापस रख दूंगा, एग्जैक्टली विदाउट एनी आर्गुमेंट। यहाँ पे क्या होता है मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में क्या कहते हैं कि सर धुली थी इसलिए गिली है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये क्या बात है कि धोई थी तो गीली है, तो वो मतलब जो बाकी पानी होता है जो थोड़ा सा बचा हुआ होता है, इवन के सम टाइम्स उसके अंदर सर्फ भी आपको मिल जाती है, हाँ साबुन भी मिल जाता है, वो प्लेट के अंदर रह जाता है। सर आप सर्फ साबुन की बात कर रहे हैं, चिकनाई का दाग लगा पड़ा होता है, पता लग रहा होता है यार यहाँ पे सालन का दाग है। मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की बात बता रहा हूँ जो कि आपका मीडिया कह लें कि एम्बियंस के लिहाज से एक अच्छा रेस्टोरेंट हो सकता है, वहाँ पे समटाइम्स ये इश्यूज होते हैं, ठीक है, फिर अगर आप उनके कहते हैं यार आप चेंज करके ले आएँ, अच्छा वो ऐसे शहजादे होते हैं जाएंगे उसी प्लेट को पानी मार के दोबारा ले आएगा, ड्राई करके नहीं लेके आएगा, ठीक है, फिर आपके साथ ये इश्यूज भी हुए होंगे कि जब आप खाना खाने गए बीच में अक्सर बाल निकल आता है, मोस्ट कॉमन इश्यूज इन आवर पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री, आप उनको जब बुला के एड्रेस करते हैं कि जिसमें बाल निकले हैं, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन आर्गूमेंट आता है कि सर ये आपका है यार मैं घर से लेके आया हूँ हाउ मेरा है, मैं बैठा हूँ तुम प्लेट सर्व कर रहे हो, सामने टेबल पे चीज़ आ गई है, मेरा बाल उछल के आ गया बीच में, यार मैं कहता हूँ आ भी गया, मैं इस चीज़ पे भी मान लेता हूँ आकाश भाई आ गया, सो द क्वेश्चन इज कि यार आपके पास एक कस्टमर आया है उसने बिल पे करना है आ गया, इसमें कितनी दिक्कत है कि आप एक्सक्यूज करें चीज़ उठाएं वापस चले जाएं, ठीक है, और उसको रिप्लेस करके ला दें,
बट इसमें आप नहीं समझते कि इसका अब्यूज़ भी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिस तरह हमारी बियर्ड है, मतलब एक बियर्ड की मिसाल भी हम ले लें या एक किसी के लंबे बाल किसी ने रखे हों, अक्सर लोगों ने रखे होते हैं, तो इसका तो फिर अब्यूज़ नहीं स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई ब्रेक एक लाइन होनी चाहिए ना। नहीं, अब्यूज़ देखें होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कस्टमर का बाल मैं कहता हूँ 1% चांस होंगे। यार ये चीज़ कुकिंग में इशूज़ आते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, मैं कुकिंग बड़े शौक से करता हूँ, कभी कभार करता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं एक कह लेंगे घरेलू शेफ़ भी हूँ, हेल्प करने के लिए करता हूँ। तो यार बालों वाला मसला ना आपके बनाने में आता है, जब आप खाना बना रहे हैं आपने अपने आप को प्रॉपर उस तरह से पैक नहीं ना किया, ठीक है, हेड कवर्स ऐसे नहीं बने होते, आपको प्रॉपर किट के अंदर होना चाहिए। बट ये किट्स, ये प्रैक्टिसेस तो फॉलो नहीं की जाती, हमें तो एक्सेस भी नहीं होती किचन की के बैकएंड पे हो क्या रहा है, अक्सर नहीं होती। आप किसी को दिखा दें तो वो कहते हैं इजाजत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बाल वाले को अगर आप कहेंगे ना यार ये बाल निकला है, पहले तो वो आपके साथ बहस करेगा 5 मिनट कि सर ये आपका है, अब हम डीएनए टेस्ट तो वहां कर रहे हैं सर, ठीक है आपके, मैंने कहा यार मेरा नहीं है तुम्हारा है, सर देखें इतना बाल तो हमारे शेफ का है ही नहीं, भाई तुम उसके साथ सर्विस कर रहे हो या उसके बाल नाप रहे हो, मतलब है ही नहीं, ठीक है, बहस होगी वहां पे। अब वो क्या करेगा, आप तू तड़ाक होगी, साइडों पे लोग बैठे होंगे, अच्छा जो होते हैं ना बेचारे जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आर्गूमेंट करना नहीं पसंद करते, कुछ फैमिलीज होती हैं वो बेचारी कहती हैं दफा मारो बात ही नहीं करनी, ठीक है, वो लोग अच्छा खाना भी छोड़ दिया उन्होंने, मैं कहता हूँ आपने आर्गूमेंट की, कस्टमर ने खाना छोड़ा, कस्टमर उठ के चला गया, आपको बिल भी दे गया, क्वेश्चन अराइजेस के यार वो खाना ना तो आप यूज़ करेंगे ना वो कस्टमर यूज़ करेंगे, वो वेस्ट हो गया। और ऐसा मुल्क जहाँ पे फूड हंगर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं इसमें एक आपको छोटी सी मिसाल और भी दूंगा कि मैं एक रेस्टोरेंट पे गया तो मैंने उनको एक्सप्लिसिटली कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, वो वाली चाहिए, वो फिर भी रॉन्ग ऑर्डर लेके आए वो ना, और मैंने उनको कहा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर, मुझे, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो कह रहे थे कि सर प्लीज़ मैनेज कर लें अब आ गई है। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि हाउ कैन आई मैनेज, कि आप कैसे कह सकते हैं कि सर प्लीज़ मैनेज कर लें आ गई है, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है ये साइड पे रख दें, ये ज़ाया हो जाएगी, मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगा, मुझे एक और लाते मैं उसका बिल पे कर दूंगा तरह से। तब उनको शायद थोड़ी सी शर्म आई कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, वो फिर लेके गए और फिर करेक्ट ऑर्डर लेके आए, पहली दफ़ा क्यों नहीं लेके आए, मैं यही चीज़ पे जाता हूं, ये एंड दे वर नॉट अपोलोजेटिक एट ऑल, हमारे यहाँ यही मसला नहीं होते। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना इस चीज़ को, मैं वो वहाँ पे अप्रिशिएट करना भी बनता है कि फैसलाबाद में कैनाल रोड पे रेस्टोरेंट है, मुझे उसका एग्जैक्टली आई गेस मरहबा या शायद कुछ समथिंग, वहाँ पे हम खाना खा रहे थे ना, कज़न्स वगैरह थे, दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, सेम इशू, मैं कहता हूँ बाल वाला इशू भी नहीं था, गास भी बाल वाला इशू बहुत सवेयर है, हमने खाना ऑर्डर किया तो वो लेके आया गार्लिक नान लेके आया बाइटली, अब चूंकि हम रेगुलर, जारी बात है कि आपको चीज़ पसंद हो तो आप उसको ना रेगुलर खाने वाले आपका टेस्ट रजिस्टर हो जाता है, रजिस्टर्ड होता है आपका टेस्ट बस का होता है। पहली बाइट ली ना, अच्छा हम सराउंडिंग में कजन्स भी बैठे हैं, किसी ने बात नहीं की, आई रेजेस द क्वेश्चन यार कि ये कड़वा लग रहा है, ठीक है, फिर दूसरा बोला हाँ यार फील मुझे भी हुआ था, लेकिन चूंकि हमने फ्रीक्वेंटली इतना नहीं इसको टेस्ट किया हुआ तो हमने कहा शायद ऐसा ही होता हो, फिर देन एक बंदा बोला कहता है यार ये शायद वो ना ज़्यादा पकने की वजह से कड़वा हो जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, ये चीज़ हो गया, हमने कहा यार हम बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे, हमने वेटर को बुलाया, हमने कहा यार ये है कि इसमें ना आप लेके आए थे तो ये बाइट हमने लिए ना कड़वा हो गया, इमेजिन करें कि एक तरफ बाल निकला है, उस बंदे ने आर्गूमेंट किया है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट बढ़ गया इशू है ना, उस बंदे ने बड़े आराम से, उसने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इंशाल्लाह ले जाता हूँ आपको रिप्लेस करके ला देता हूँ, लेकिन इसमें कुकिंग में ना ये इशू होता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं उसकी गार्लिक अच्छा गार्लिक, ठीक है, जब आपका वो पकता है तो थोड़ा सा ना उसका टेस्ट इस तरह होता है डिवाइड, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी खाने मतलब फ्रीक्वेंटली ये चीज़ खाता हूँ, मुझे फेवरेट चीज़ है मेरी आप, क्योंकि आप मीट के साथ अगर गार्लिक नान खाएं तो बड़ा उसका एक टेंडरनेस टेस्ट के साथ ना बड़ा फ्लेवर आता है। उसने कहा ठीक है सर, वो उठा के लेके गया, मैं सर वो अभी जा रहा है, उसने जाके मैनेजर को बताया, अभी हम सोचने के यार ये मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर वापस भेजेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर, उसने बंदे को भेजा तंदूर वाली साइड पे, मैनेजर चल के आ रहा है, मैंने कहा अब आर्गूमेंट होगी, अब हम ये परसीव कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा हम ऑलरेडी फेड अप हैं ऑलरेडी इस सिस्टम से, ऑलरेडी हमारी एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि ये होने वाला हमारे साथ, हमें पता होता है हमारी कोई इज्जत नहीं होनी, ठीक है, रेस्टोरेंट वाला ऐसे समझता है कि यार ये एहसान किया इन्होंने हमारे, हम एहसान करें इनको खाना, रिव्यूज की कोई टेंशन नहीं होती, नहीं टेंशन होती। अब वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मतलब एक बंदे ने ठीक ठाक एम्बियंस पे खर्चा किया होगा, वो बंदा आया, सबसे पहला वर्ड उसने आके बोला, सर मैं माजर चाहता हूँ कि आपके खाने में मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि खाने के बीच में अगर ये चीज़ हो तो कितनी ऑकवर्ड लगती है, तो सर मैं माजर चाहता हूँ, बस 5 मिनट अगर आप बुरा ना माने, आप जब तक आप ये रोटी है आप इसके साथ कर लें, 5 मिनट में चीज़ आ रही है आपकी और फ्रेश आएगी, हम वो नहीं भेजेंगे, तो आप फिर आप बता दीजिए अगर आपके हिसाब से ठीक होगी तो ठीक होगी। सर इतनी सी बात थी और बंदा वहीं पे हमारे टेबल के करीब ही फेस दूसरी साइड पे करके खड़ा होके वेट करता रहा वेटर का आने का, मैनेजर है उस रेस्टोरेंट का, वेट कर रहा है, ही मेड श्योर कि आपको करेक्ट ऑर्डर करेक्ट एक्सपीरियंस मिले आपको। मिलेगा विद इन 3 to 5 मिनट्स मैं कहता हूँ वो बंदा आया वापस, फ्रेश गरम गरम वो लेके आया, उसने आके रखा है और उसने सर्व किया मैनेजर ने। मैं कहता हूँ यार एक है कि आप रख दें कि यार चीज आपकी आ गई है, कोने में देख रहे हैं कि इट इज गोइंग वेल, दैट्स फाइन, उस पे भी मतलब इतना ही काफी था कि वो रिप्लेस कर दिया उसने, ऐसे ही है। अब वेटर ने आके ला के रखा है, मैनेजर खुद आ गया है, उसने भाई साहब एक पीस उठाया है मेरी प्लेट में रखा है और वो खड़ा हुआ है, उसने कहा सर काइंडली आप टेस्ट करके बताएंगे क्या ये आपके हिसाब से ठीक है या मैं चेंज करवा दूँ, मतलब सेकेंड टाइम ही वॉज रेडी टू चेंज इट। चले ये तो एक एक्सपीरियंस है ना एक एक रेस्टोरेंट का जो कि शायद बिगर चेंज नहीं होगी शायद, आई थिंक आई बिलीव मे बी, ठीक है। अच्छा वैसे हम मेरे ख्याल है ब्रांड्स के नाम हम लेना भी चाहें तो कोई इशू नहीं है, मैं वैसे जिस ब्रांड की बात कर रहा था ना वो BFC का ब्रांड था, ठीक है, KFC का रिप ऑफ है बेसिकली, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ रिप ऑफ, सो दे हैव अ रिप ऑफ कस्टमर सर्विस एज वेल। तो हमारा KFC के साथ एक्सपीरियंस आपको पता ही है, इट इज़ अ बिग चेन, तो हम हमारा इत्तेफाक से जहाँ पे हम स्टूडियो अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी ऑर्डर्ड अ KFC, यू नो लकीली और अनलकीली, ठीक है, वी केम टू नो अबाउट इट, तो हमने फूडपांडा से ऑर्डर किया। सो पहले तो वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच हिप हॉप ही करते रहे, हमें एक रोलर कोस्टर राइड की तरह इधर नहीं इधर, ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे ये नहीं करेंगे वो करेंगे, एट द एंड क्या हुआ कि हम आपके एरिया में डिलीवर ही नहीं करते, दोनों ही कह रहे नहीं करते, दोनों ब्रांचेस कह रही हैं नहीं करते। हमने कस्टमर सपोर्ट को कॉल की, इफ़ दे आर लिस्टेड ऑन फूड पैंडा, आई मीन दे आर इन द डायमीटर के जिसमें वो डिलीवर कर सकते हैं, और हमने इससे पहले मंगवाए भी हैं KFC, हाँ मतलब सेम लोकेशन पे, एग्जैक्टली सेम एप्लीकेशन से, इवन मैं कहता हूँ ये फूड पैंडा है यार, मैं उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर कर चुका हूँ, एग्जैक्टली सेम जगह पे डिलीवर होता है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, द वेरी फर्स्ट थिंग दे डिड विच वॉज वेरी काइंड ऑफ रूड एंड आई थिंक इट इज अ वेरी यू नो रेड कोड इन द सेल्स बुक कि आप किसी कस्टमर की कॉल को हैंग अप कर दो बाय योरसेल्फ, सुने ही नहीं इफ अ कस्टमर इज स्पीकिंग टू यू और आप उसकी कॉल को बीच में बंद कर दो, मेरे ख्याल है इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता सेल्स की दुनिया में, ठीक है, मैं कितनी कंपनीज को जानता हूँ जो ये चीज मॉनिटर करते हैं, इज देर एनी थिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, उस कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि ये बंदा इसी मसले के लिए आया था और उसका मसला हल हो चुका है, नहीं हुआ वट एवर, फिर भी वो पूछेगा इज देर एनी थिंग एल्स दैट कैन आई हेल्प यू विद, एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या होता है, आई डोंट केयर हेल्पिंग यू एट ऑल, हैंग अप, थक, मतलब आपको चले हैंग अप भी कर रहे हैं ना यार, आपको ये भी नहीं कहेंगे कि सर मैं नहीं कर सकता माजरत, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, इतना भी नहीं, आप बात कर रहे हैं और ठक फोन बंद कर दें। इसमें फिर एक और चीज़ हमने एक्सपीरियंस की थी, उसमें है कि सेल्स टीम का आपस में सिंक होना, हमने जब उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की तो देर वॉज अ लेडी CS रिप्रेजेंटेटिव, सो शी फैसिलिटेटेड अस एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ कॉल्स, एक अच्छा खासा टाइम उनके साथ आर्गूमेंट में स्पेंड करने के बाद शी फाइनली कमिटेड के योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड, हाँ, बट गेस व्हाट, अगेन जब उस ब्रांच के पास दोबारा ऑर्डर करने दोबारा चेक कर दिया और उनका कि हम इस एरिया में डिलीवर नहीं करते, आई मीन वो एरिया बिल्कुल दोनों ब्रांचेस के दरमियान का है, एग्जैक्ट सेंटर है, और दोनों की रेडियस में आता है, दोनों के रेडियस में आता है, ऐसा नहीं है कि ये मैं कहूँ कि ये DHA फेज 6 से भी आगे का, फेज 5 से भी आगे का कोई एरिया है और हम जनाब यहाँ से गुलशन रावी से कोई चीज मंगवा रहे हैं, यार दे वर ट्रीटिंग अस लाइक जैसे हम बैठे हुए किसी बॉर्डर एरिया में या हम जो है ना युगांडा की स्टेट में बैठे हैं जहाँ पे इनका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा कि जी आप जो है ना एनिमी स्टेट के अंदर बैठे हैं
तो हम जाएंगे तो हमारे पे अटैक हो जाएगा। यार आपका सेंटर रेडियस है, और दोनों का अगर मैं देखूँ दोनों ब्रांचेस से हमारे स्टूडियो का इक्वल डिस्टेंस, पहली बात तो चलें इनका तो है ना कि यार डिलीवर नहीं करते, असल चीज़ है कि वाई आर यू लिस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फूडपांडा पे, क्यों लिस्ट हो रहे हैं उस रेडियस में, आपको तो शो ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली समटाइम्स कई बार हुआ है कि मेरा एक फेवरेट फूड मतलब ब्रांड है, मैं उसको जब सर्च करता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, वो शो ही नहीं होता। नहीं हो तो ठीक है, नहीं शो हो, आप शो भी हो रहे हैं ठीक है, बिल्कुल, फिर आप कह रहे हैं कि जी हम नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी हैं, मतलब वी हैव बीन हैंगिंग आउट अ लॉट मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर, तो मुख्तलिफ हमारे पास ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंसेस है। मेरे ख्याल अभी हमें थोड़ा सा ई कॉमर्स की तरफ भी बात करनी चाहिए कि वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में जहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आपको लिजिट बिजनेसेस मतलब ना होने के बराबर मिलते हैं, उन लिजिट बिजनेसेस की भी कस्टमर सपोर्ट ऐसी है कि उसके ऊपर आप अफसोस कर सकते हैं। ठीक है, कोई रेयर ही कोई बिजनेस होता है कि जिसकी कस्टमर सपोर्ट वाकई हम कह सकते हैं कि ये वाकईतन लीगली एंड एथिकली कि ये कस्टमर्स को इस हिसाब से अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। उसमें आपका कोई ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस जिसको वर्स एक्सपीरियंस जिसको आप नाइटमेयर कह सकें कोई आपका है तो आप हमें हमारे साथ शेयर करें। यार एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, जैसा कि ई कॉमर्स में अगर हम बात करें तो एक दफ़ा सीन क्या हुआ कि भाई मेरे ने शायद ऑर्डर किया था कहीं से ना, जैसा कि हमारे यहाँ एक कॉमन वही चीज़ है कि जो ऑर्डर कुछ किया था निकला कुछ, अक्सर वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप में आप फेसबुक पे देखें तो ये चीज़ें तो रोज़ की रूटीन का हिस्सा है। बाय द वे वॉइस ऑफ कस्टमर एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये फेसबुक ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें जिसमें आपको अनगिनत कस्टमर वर्स कस्टमर सपोर्ट नाइटमेयर्स की आपको एग्जाम्पल्स वहाँ पर मिलेगी तो वहाँ पर हम ये चीज़ें चूँकि अक्सर देखते रहते हैं। अब चूँकि भाई ने ऑर्डर किया था, मेरे भाई बोल और सुन नहीं सकते ना, उसको चीज़ पसंद आई, उसने कहा कि यार मैं घर वाले एड्रेस पे ऑर्डर करूँगा, पता नहीं रिसीव होता है नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ फिर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि कुरियर कंपनीज का मसला, उनकी कस्टमर सपोर्ट की तो आप बात ही ना करें ना। ठीक है आपने एड्रेस दिया, अच्छा वो आप बंदा हायर कर रहे हैं, बंदे को डिलीवर करने भेज रहे हो, फिर अगर वो लोकल नहीं है, मैं कहता हूँ कोरियर सर्विसेज में या डिलीवरी बॉयज में वो लोग होने चाहिए जो उस एरियाज के लोकल हों, जिनको हर गली का पता हो, बिल्कुल, या कम से कम अगर नहीं भी हो उनको आप ट्रेनिंग दें। लेकिन ट्रेनिंग में भी आप देखें कि GPS का यूज़ करना, आपको बड़े स्मार्टफोन ओनर्स मिलेंगे लेकिन उनको गूगल मैप्स अपडेट करने नहीं आता। ठीक है, तो उसी तरह वो सीन, इस वजह से हम अक्सर जो है ना चीज़ें डिलीवर करवाते हैं अपने ऑफिस में, तो भाई ने वो चीज़ ऑर्डर कर दी ऑफिस में, उसने कहा ये बिल होगा तो काइंडली कर देना, मैंने कहा कर दूंगा। अच्छा वो कैश ऑन डिलीवरी जारी बात है, मतलब आपने तब हमें भी इतना आइडिया नहीं था ई कॉमर्स का, तो डिलीवर हुआ, पेमेंट हो गई वापस, मैंने पैकेट भी नहीं खोला कि यार उसकी चीज़ है तो वो खुद ही अनपैक कर लेगा एथिकली, मतलब आपको ये भी एक होता है। खैर चला गया, घर गया तो मुझे ना, मैं रात को बड़े आराम से सुकून से थका हारा सो रहा हूँ, सडनली ठक 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 नॉक मेरे घर दरवाजे पे, क्या हुआ है? तो मैंने दरवाज़ा खोला, अच्छा मुझे परेशानी भी हुई कि यार रात के इस टाइम पे अगर वो नॉक कर रहा है कोई मसला होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे क्या कहता है, ये वो ऑर्डर ही नहीं है। मैं क्या मतलब ऑर्डर नहीं, तूने ऑर्डर क्या किया था? मुझे तस्वीरें दिखाई, मतलब आप देखें एक बंदे को कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो बोल और सुन नहीं सकता, लेकिन उसके पास देखें पिक्चर्स का प्रूफ है। उसने कहा यार ये पिक्चर है, मुझे ये चीज़ पर्टिकुलर पसंद आई थी और मैंने इसका सेट मंगवा लिया, शर्ट्स थी आई गेस, शर्ट्स का 4-5 का सेट मंगवा लिया कि यार मेरे पास वैरायटी होंगी, मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं है ना उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर लूँ। That should have costed a lot. हाँ, वो कहीं सेल भी चल रही थी ना। सही। तो उसने कहा चलो सेल 50% चल रही है तो मैं ना कर दूँ। सही। तो हर बंदा करता है, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा यार, एक अच्छी चीज है। अब इमेजिन करें सेकेंड हैंड से भी घटिया, ठीक है जो डिजाइन वो नहीं, कॉलर फटे हुए, ठीक है कफ के अंदर के धागे तक उतरे हुए एक दो शर्ट्स के, ठीक है फिर जो लाइट कलर की शर्ट थी उस पर दाग लगे हुए, ये चीज़ें। फिर जो उसने साइज़ ऑर्डर किया हुआ था उसने अपने हिसाब से आई गेस स्मॉल या मीडियम स्लिम फिट किया हुआ था, क्वालिटी भी वो नहीं थी, साइज़ भी वो नहीं था, फिर कस्टमर सपोर्ट से उन्होंने रब्ता किया होगा, साइज सर्च कार चेक करें कि एक्सल भेज रहा है बंदा, डबल एक्सल भेज रहा है, मतलब ये वही हिसाब हुआ कि आपने जान छुड़ाई है कि यार दफ़ा मारो मैं जान छुड़ाऊँ,
या आपने पता नहीं गली मोहल्ले से कहीं लीचे से, मैं कहता हूँ इतना तो यार वो इतवार बाजार वाले भी नहीं करते, लंडा बाजार वाले भी नहीं करते, ठीक है, कि मतलब जिनके पास आप चल के जाते हैं और आपने चीज़ें चुननी हैं वो भी हया करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसी है, वो बता देते होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद यार होता पता है कि अब आप कस्टमर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, उस पैकेट को देखेंगे उस पर क्या लिखा है, इमेजिन करें उस पर ईमेल नहीं है, फ़ोन नंबर क्या लिखा हुआ है, 03/12345677 सही यार, मतलब आप इससे आगे देखें इससे क्या बचा है फिर। अब मुझे कह रहा है क्या करना है, मैंने कहा क्या करना है, हो गया लग गए। ये मतलब आप देखें ये एक ई कॉमर्स का है अंदाज। और फिर आप जब उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो फिर ब्लॉक कर देते हैं आपको, ब्लॉक कर देते, आपकी बात ही नहीं सुनते, ये चीजें हैं। और इसमें फिर एक चीज जो मुझे सबसे हैरानगी देती है ना, मुझे कि ये बिजनेसेस, ये जो स्कैम बिजनेसेस हैं, जो कि हम कस्टमर सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना कि वो कस्टमर सर्विस कैसी दे रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी आती है, सर्विस भी आती है, इन सारी चीज़ों के बावजूद ये सारे बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं पाकिस्तान में, एग्जिस्ट कर रहे हैं और ग्रो किए जा रहे हैं, और आए दिन नया से नया स्कैम आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या कस्टमर सपोर्ट को इम्पोज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्या कोई पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैकेनिज्म विकास भी तब तक नहीं होगा जब तक हमारा ना कस्टमर अवेयर नहीं होगा। मसला यहाँ पे आता है, आपका कस्टमर एक तो अवेयर नहीं है, सेकेंडली आपका कस्टमर या तो खुद उस चीज़ का हिस्सा है, वो खुद स्कैम करता है। अब मैं कस्टमर की बात करूँ तो कई कस्टमर्स तो ये भी हैं कि ऑर्डर करके डोर स्टेप पर आके आपको रिजेक्ट कर देंगे कि जी मेरा जहन बदल गया। एग्जैक्टली, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ माइंड यार, ऑर्डर कर दिया आपने, 3 दिन गुजर गए, आपने अगर जहन बदला है, आपने कॉल करके गवारा नहीं किया। एक सेलर है, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो सही काम कर रहे हैं उनका भी नुकसान होता है ना फिर, ऐसा ही है, ठीक है। तो कस्टमर हमारा अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। वो तो छोटे से उसे 5 फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम से भी जाके ऑर्डर ले लेता है। हाँ ठीक है, उसमें अवेयरनेस से मुराद ये कि सारी चीज़ें उसको पता हो, उसको पता हो कि यार ऑर्डर करना कैसे है। आप ठीक है, आप उसके तहकीक करें ना, जैसे आप शॉपिंग करने बाजार में जाते हैं, आप 10 दुकानें घूमते हैं, खुआरी करते हैं, बिल्कुल, फिर आप चीज़ जाके उठाते हैं, रेट की बार्गेनिंग कहीं पे करते हैं, कई लोगों का मिजाज होता नहीं करते, तो ये चीज़ें हैं इश्यूज, ठीक है। इसी तरह कह लेंगे जो हमारे कस्टमर सपोर्ट के जो सेलर्स हैं, इनके यहाँ सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि आपने ऑर्डर कर दिया, आपने ऑर्डर किया, मैंने आपको भिजवा भी दिया, बीच का जर्नी नहीं कोई बात कर रहा, आपने ऑर्डर किया है, एथिकली मेरा बनता है कि मैं आपको कॉल करूँ कि सर आपका ऑर्डर आया था तो क्या ये कंफर्म है, आपने जो एड्रेस लिखा है ये कंफर्म है, आपको अगले इश्यूज ही ना आए, बिल्कुल ठीक है, आप कॉल तो करें ना, उसमें क्या फ़ायदा होगा, ऑथेंटिसिटी आ जाएगी कि मैंने आपसे कॉल कर ली, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया, ठीक है, आपको ये पता चल गया यार बंदा वेरीफाई हो गया, बंदे ने चीज़ भेजनी है, ठीक हो गया। फिर सो ऑन आगे चीज़ें हैं कि जी आपको रिसीव हुआ, फिर आपकी कॉल पर क्या बात हुई, नहीं पसंद आता तो आपकी कैसे रिटर्न होनी है, जो भी व्हाटएवर, इस चीज़ को आप जैसे भी ऑन बोर्ड आगे लेके चलें। तो इसमें आपको और मेरा एक्सपीरियंस भी है, ऐसे ही है, हमने एक जो कंबाइंड स्टार्टअप था उसमें हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया। बट इसको हम इन्फोर्स कैसे करेंगे कि ये बिजनेसेस वाकईतन अच्छी सर्विस दें, ये चीज़ कैसे इन्फोर्स करेंगे हम पाकिस्तान में, इसके लिए क्या समझते हैं हम कर सकते हैं? कंज्यूमर कोर्ट्स में अब बात करता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट्स इतनी हमारी स्ट्रेंथन नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, कितने केसेस हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर, कुछ भी नहीं होता, जाते भी नहीं है, लोग भी नहीं जाते, लोग कहते हैं कि हमारे अदालती अदरिया, हमारे जो एक अदालती निज़ाम है, लोग उससे इतना डरते हैं। उसकी वजह यह कि जारी बात है, वो कहेगा यार मेरा अगर 1500-2000 का ऑर्डर था उसमें स्कैम हुआ है, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, उसमें क्या कहते हैं मुझे लूट के वैसे 4-5 हज़ार खा जाने इन्होंने, ऐसे ही वो 1500 के ऑर्डर के लिए 5 हज़ार के लिए जलील थोड़ी होगा, 4-5 हज़ार तो बाहर बैठे हुए वो जो पता नहीं मुंशी होता है क्या होता है व्हाटएवर जो भी होता है उसने लेना है, 300-400 रुपए लेके तो उसका काम कराएगा। तो क्या यार 1500 का मतलब ऑलरेडी नुकसान हो गया है, ठीक है फिर मैं जाऊँगा स्ट्रेस में, फिर मुझे जलील करेंगे, अच्छा फिर वो आपसे सवाल भी इस तरह करके जलील करते हैं, होर करो ऑर्डर ऑनलाइन, अच्छा ये तो वो तो करते करते हैं आपके घर वाले आपको ताने मारते हैं ऐसे ही है, बिल्कुल आ गया सवाल तेनू कर ले ऑनलाइन ऑर्डर, क्योंकि ये इश्यूज है ना, क्योंकि हम एक जनरेशन है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, एक हमारी एक सीनियर जनरेशन है जिनको ऑलरेडी ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो रहा है इन चीजों की वजह से, स्कैम्स की वजह से, ये इश्यूज हैं जेन्युइन। और हमारी जो जनरेशन है ना, मतलब हमने ये यूज करना स्टार्ट किया
और हमें वही बात आपकी जो बात है अवेयरनेस वाली, तो मेरे ख्याल इसका सबसे बेहतरीन हल अवेयरनेस ही है जो आपने बात की है। तो अवेयरनेस हमारे कुछ ना कुछ है भी नहीं भी हमारी जनरेशन में। हमारी जनरेशन ने एक काम और बड़ा गलत किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को ना बेलगाम छोड़ दिया। हाँ, उसका नतीजा क्या होता है, आपको भी याद होगा कि हम एक बिजनेस में एक साथ थे तो एक बच्चे ने हमें क्रेडिट कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर भेज दी हमारे मैसेंजर पे। हम एक बिजनेस हैं, ठीक है, और हमें क्रेडिट कार्ड की, उसकी मदर के क्रेडिट कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर आ गई हमें। उसने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप इससे पैसे निकाल लें और मुझे प्रोडक्ट भेज दें। तो अब यहाँ पे अगर हम वो होते, हम अगर उसी तरीके से स्कैम करना चाहते थे, तो यू कैन इमेजिन कि क्रेडिट कार्ड के साथ हम क्या कर सकते थे। डेबिट कार्ड भी नहीं था, क्रेडिट कार्ड, दैट वाज अ क्रेडिट कार्ड, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर हमने बेसिकली फिर उनकी उनको उसको कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा कि आप अपनी मदर से बात करो ताकि हम आपका ऑर्डर कन्फर्म कर सकें, ताकि हम उसको ड्राई भी ना, कि वो पता चले कि वो बात ही ना करें। हाँ, बात ही ना करें। तो हमने उनकी फिर मदर से बात की, तो वो बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आप ये, फिर हमने उनको ये लेसन दिया वहाँ पे कि आप अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं और आपने अपना क्रेडिट कार्ड उसके सामने रखा हुआ है, मतलब आपके लिए कैजुअल है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है, ये एक वाक्या हमने सुनाया आपको, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वाक्यात हैं कि हमारी जनरेशन ने भी अपने अगली जनरेशन को, क्योंकि खुद अवेयरनेस नहीं है तो आगे क्या अवेयरनेस देंगे, नहीं देंगे। उसमें ये भी होता है ना, देखें एक क्रेडिट कार्ड वाला तो इशू हो गया, फिर एक चीज़ ये भी होती है, इसमें डबल साइड भी है ना, कि कुछ बच्चे चले निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन भी था कि जी हमें पता ही नहीं चला, पर्स निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन जो फैसिलिटेटर्स हैं ना, फाइनेंस फैसिलिटेटर्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये आपकी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैम होना है तो वो ट्रांजैक्शन में स्कैम होना है, ट्रांजैक्शन में होना है। लेकिन हमारे बैंक का क्या मसला होता है, सर आपने किया है ट्रांजैक्शन इनिशिएट, इट वॉज योर मिस्टेक, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि बैंक को ख्वारी करनी पड़ती है, तो वो ख्वारी वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते और वो कहते हैं कि अच्छा कस्टमर ने लॉस किया ना, देन लेट इट बी। यार आप गारंटियर हैं, exactly. कस्टमर ने आपके पास अपनी वेल्थ रखवाई है, किसी की थोड़ी होगी, किसी की ज़्यादा होगी, उसकी खून पसीने की कमाई है, आपके पास चीज़ पड़ी है, आप किस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं फिर कि डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी? आपने की है, ठीक है, उस बंदे ने परचेज करने की कोशिश की होगी, लेकिन सेंटर में कोई टू स्टेप वेरिफिकेशन भी तो आनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, कि एक बार आप उसके अकाउंट से डेबिट करने से पहले एक बार उसे मैसेज तो पॉपअप करें। ये भी हमारे यहाँ मसला है कि कुछ बैंक्स, इवन कि मैं मिजान बैंक की अगर मिसाल दूँ तो उनका टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड आता है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे नहीं भी आता। नहीं आता। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रो टिप जो हम अक्सर करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने मिजान बैंक के अंदर ये ऑप्शन, आई डोंट नो कि इफ इट इज़ विद अदर बैंक्स और नॉट, कि आप अपने डेबिट कार्ड को टेम्परेरली मोबाइल ऐप से डिसेबल कर सकते हैं। आपने जब भी ट्रांजेक्शन करनी है आप उसको जाके इनेबल करें और बाद में दोबारा डिसेबल कर दें। तो आई थिंक दैट इज़ अ वन वे टू मेक श्योर कि कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन आपके कार्ड से ना हो, तो ताकि आपको ये वर्स्ट कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस है बैंक से ना बर्दाश्त करना पड़े। बैंक से ना बर्दाश्त करना पड़े। अपने यहाँ में मसला ये भी आता है ना, एक तरफ बैंक आपसे पूछेंगे ही नहीं ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करें बीच में कॉल टूक जाएगी। अब वहाँ पे मसला क्या होगा, सर ये आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यस और थैंक यू फॉर रुइनिंग माय ट्रांजेक्शन, अब उसमें पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, सर्विस आपको मिलती नहीं है। सर्विस मिलती नहीं, उसकी वजह यह कि आपकी एप्लीकेशन खुली थी डाटा पैकेज पे। एग्जैक्टली, कॉल ने इंटरप्ट किया, एप्लीकेशन खुली, बीच में मसला आ गया, लो जी वो भी गया। अब कहने को तो वो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं बट ये कस्टमर सर्विस उल्टा हमारे लिए जहमत है। सर ये इस तरह की कस्टमर सर्विस है कि आप सोए हों, कोई आपको ना हिला के गए, वकास भाई सो रहे हैं, नहीं कि आपने वो नींद वाली दवाई नहीं ली आपने, मतलब आप बिल्कुल खूब नींद में हैं, कोई आपको हिला के चादर हटा के आपके चेहरे से कि यार सो तो नहीं रहे थे ऐसे ही। अब यार एक बंदा लेटा हुआ है, मतलब नजर आ रहा है, बिल्कुल पुरसकून उसकी जिंदगी जा रही है, फिर हिला गया, सो तो नहीं रहे थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ मतलब हम ट्रेनिंग्स भी जब हम अपनी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली जो हमारे स्टार्टअप मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बड़ी सेल्स की एक पूरा हमारा ट्रेनिंग हमारी होती है, तो उसमें हम उनको ये बड़ी चीज़ें सिखाते हैं कि जिस तरह हमने सारी बात की कि कस्टमर की लैंग्वेज स्पीक करना, उसकी एम्पथी उसकी करना, ठीक है, उसके कदमों के अंदर आके उसके पाँव उसके शूज़ के अंदर अपने आप को रख के आप इमेजिन करें कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए, तो ये सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक एक्सपीरियंस था बिजनेस का, आपको याद हो कि हमें कनाडा से एक दफ़ा कॉल आई थी। हाँ, अब वो कस्टमर सिर्फ उसने कोई ऑर्डर उसने करना था, बट उसने वो वैसे भी ऑर्डर कर सकता था, बट उसने कॉल की
और वो ये कह रहा था कि मैंने सर आपकी वेबसाइट देखी, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, मैंने आपके साथ चैट भी की और मैंने आपके साथ ईमेल पे भी कम्युनिकेशन की है, बट मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये कोई पाकिस्तान का ब्रांड है। आई डिडंट नो इट अनटिल कि जब मुझे फ़ोन नंबर नज़र आया और मुझे पता चला कि +92 लिखा हुआ है, तो मेरे अपने मुल्क का नंबर है और मेरे अपने मुल्क का नंबर है। और मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान से भी इस तरह की कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस हैं जो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, बट वो ना होने के बराबर है। वो ऐसे लोग इतने कम हैं कि वो नज़र ही नहीं आते। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए बड़ी एक अप्रिसिएशन थी, हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अच्छा ये भी होता है, उसके लिए भी थी। एग्जैक्टली, अगर आप देखें कि यार देखें वो पाकिस्तानी है, वो एक ऐसे मुल्क में बैठा है जहाँ पे उसको कस्टमर सपोर्ट मिलती है, और उसके अपने मुल्क से जब एक चीज़ उसको नज़र आई तो उसने कॉल की ना, उसने मतलब नंबर देखा, उसने व्हाट्सएप पे आके कॉल की और उसने हमसे गालिबन कोई 15-20 मिनट से ज़्यादा बात की। ऐसे ही है कि जी वो शोर ही नहीं था कि यार वाकई पाकिस्तान से, कि मतलब हमारा इतना एतमाद रहता हो चुका है स्टार्टअप्स का या कंपनीज का जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, कि स्कैम्स चंद लोग करते होंगे, नुकसान सबको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब उसमें कस्टमर सपोर्ट में क्या था, ज्यादा से सिर्फ हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे, मैं कहता हूँ यहाँ पे वो इंग्लिश स्पीकिंग था, इंग्लिश में कम्युनिकेट हो गया। हमारे कई कस्टमर्स ऐसे भी थे जिनके साथ पंजाबी में हमने की, और कई पख्तून भी है, पख्तून हमारे भाई भी होते थे, उनके साथ भी हम पश्तो में बात करते थे, पश्तो में कम्युनिकेशन हुई, पश्तो में सेल्स हुई है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये होता है कि यार आपने अगले एक बंदे को कम्फर्ट जोन में, आपको याद है कि मेरे इलाके से एक पंजाबी में एक बंदा आया था और उसको मैंने पंजाबी में बात की थी उसके साथ। हाँ, और वो देखें वो क्या होता है, मैं कहता हूँ कस्टमर आपसे नहीं खरीदता, कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट उसके सम कॉशियस में कहीं ना कहीं आप बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, उसकी कहीं बात होगी, उसके पास अपनी बाइंग पावर नहीं है, लेकिन जब उसके सामने कोई बात करेगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो आप बेच रहे हैं, वो आपको रेकमेंड करेगा, उसको पता होगा कि यार इनका तरीका बड़ा पोलाइट है, हम्बल है, ठीक है। और यही चीज़ें बेसिक, इसमें जाता कुछ नहीं, क्या है आपने सिर्फ एक्स्ट्रा केयर करनी है। बिल्कुल, कि आप कॉल करके वेरीफाई कर रहे हैं कि जी ये आपका एड्रेस था तो मैं डिलीवर करवा सकता हूँ, ठीक है। कस्टमर आपसे सारी बातें कंसर्न पूछेगा, आपका रेट है, आप कहेंगे यार मैं इतनी हैवी या कोई प्रीमियम प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ तो मुझे एडवांस चाहिए। कस्टमर का कंसर्न ये कहेंगे यार मैं पैसे भिजवा दूँ, मुझे क्या गारंटी है चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो आपने इन चीज़ों में जस्टिफाई करना होता है। आप 50% एडवांस ले लें या 100% भी ले रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ कनेक्ट इतना होके चलें, उसको कॉल आपकी कस्टमर सपोर्ट से जा रही है कि सर ये चीज़ डिलीवर हो चुकी है, आप उसको ट्रैकिंग नंबर भेजें, ठीक है, वो उसको ट्रैक कर ले, पूरी एक आफ्टर सेल सर्विस की एक चेन बनती है। तो मेरे ख्याल है कि ये हमने जितनी भी एक बातें की हैं, ये हमारा एक सोसाइटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हमारा एक बिजनेस लैंडस्केप का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो मेरे ख्याल है कि ये इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर लिजिट बिजनेसेस। कि जब आप स्कैम्स के अंदर, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं बिजनेसेस की तरफ से, वहाँ पे जब आप अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस, अच्छी कस्टमर सपोर्ट देंगे, तो मेरे ख्याल आप बहुत जल्दी नोटिस में आएंगे, होता है, ठीक है, बहुत जल्दी आप ऊपर आएंगे। अदरवाइज सभी अगर अच्छी सर्विस दे रहे होते, सभी अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे होते, तो कंपटीशन इतना सख्त होना था कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कोई स्टार्टअप कर लूँ, मैं कोई बिजनेस इनिशिएट कर लूँ। तो मेरे ख्याल है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑब्वियसली हमें इस पर वर्क करना है कि हम अवेयरनेस करें। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको हम मुख्तलिफ लोगों को लेके आएंगे जो कि मतलब आपके नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर भी हैं मुख्तलिफ इन मल्टा इंटरनेशनल कंपनीज़ के, उनको भी हम इनवाइट करेंगे जो कि आपसे बात करेंगे। तो इन दी एंड आप क्या कंक्लूड करेंगे, आप किस तरीके से हमारी ऑडियंसेस को बताएंगे कि वो लोग, स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्टार्टअप ओनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टअप्स इनिशिएट अभी अभी किया है या करने जा रहे हैं, वो उनको अपनी कस्टमर सपोर्ट कैसे रखनी चाहिए? लेकिन जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, इनिशिएट कोई चीज़ कर रहे होते हैं, सबसे चैलेंजिंग टास्क जो होता है ना वो आपके लिए होता है कि आपने एक तो पूरे अखाड़े के अंदर उतरना है, आपने फाइट करनी है, बिल्कुल, आपने ब्रेक इवन को क्रॉस करना है, देन आपने सस्टेन करना है। एग्जैक्टली, तो ये पूरे प्रोसीजर्स है ना। अब मिसाल के तौर पर आप एक क्लॉथिंग ब्रांड आपने स्टार्ट किया, तो आपके मुकाबले में बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने आना है तो फिर आपको कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। इसको मार्केटिंग में या सेल्स में वैल्यू एडिशन कहा जाता है। क्या ठीक है अगर उसकी प्राइस जो है वही 3,000 का सूट है, आपका भी 3,000 का सूट है, तो मैं वहां से ब्रांड से क्यों ना लूँ, आपसे क्यों लूँ? एग्जैक्टली, आएगा नहीं। मैं कहता हूँ उनका 500 रुपये 1,000 रुपये महंगा भी हो तब भी
तब भी आप और मैं यही सोचते हैं कि यार मैं अगर 3,000 का इससे ले रहा हूँ, मैं 4,000 को उससे ले लेता हूँ, ब्रांड तो है। एग्जैक्टली ठीक है, ये चीज़ होती है बेसिकली कस्टमर सपोर्ट के साथ कि यार आप उनको अश्योर कराएं चीज़ें। ठीक है, जब आप स्पेसिफिकली जब आप स्टार्ट में होते हैं आपको बड़ा कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है, आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, डिलीवरी जब आपकी हो गई, आपने कस्टमर को कैसे ऑनबोर्ड लिया, ठीक है, इंश्योर किया कि उसके पास चीज़ पहुंची है, नहीं पहुंची, पहुंची है तो आप कॉल करके आप एक बार उनको कॉल करके इंश्योर करेंगे सर आपको पार्सल मिल गया होगा, आप क्या फीडबैक है आपका। मैं कहता हूँ इसमें कुछ नहीं जाना, आपकी चंद सेकंड की कॉल्स में ये होना है कि उन्होंने उसी वक्त खोलना है सर, वो खुशी की इंतहा होती है। बिल्कुल ऐसे कंपनी की तरफ से कॉल आई थी, फॉलो अप मैसेजेस आ रहे हैं, फॉलो अप मैसेजेस सेल्स हो चुकी है, हो चुकी है, उनको exactly. पैसे जा चुके हैं लेकिन फिर भी वो आपको कॉल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है हमने यही किया था, हमने ऐसे ही किया था। हमारा जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो यूजर जनरेटेड कंटेंट था, यूजीसी जिसको हम कहते हैं, यूजीसी। ठीक है, तो उसमें हम कस्टमर्स को कहते थे कि आप अनबॉक्सिंग की वीडियोस लगाएं, हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो हमारे लिए मार्केटिंग मटेरियल होता था। मार्केटिंग मटेरियल, देखें एग्जैक्टली आपने वही किया कि जो काम आपके स्टूडियो ने करना था, मार्केटिंग एड्स पे स्पेंडिंग करनी थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपने कस्टमर्स को ही अपना एडवोकेट बना लिया। और उसकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी वीडियोस की, किसी ने पोर्ट्रेट में बनाई है, किसी ने लो लाइटिंग के अंदर बनाई है, बट दैट इज व्हाट कि वो जिसको हम लेजिटिमेसी कहते हैं किसी चीज़, हाँ, जो एक्चुअल है, एग्जैक्टली जो है यही है, एग्जैक्टली उसके अंदर आपने रहना है। फिर इन सारी चीजों में आपने ये चीज भी बड़ी चूज करनी है कि यार आप कुरियर कंपनी कौन सी चूज करें, हमारे साथ कितने इश्यूज हुए। बिल्कुल ऐसे ही, क्या मतलब आप एक कुरियर कंपनी के पास जाते हैं, वो आपका प्रोडक्ट ही लॉस्ट कर रहे हैं और क्लेम भी सुनने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, वो कह रहे हैं जी नहीं आपने भेजा ही थे। बिल्कुल, हमारा ब्लू एक्स के साथ हुआ था एक मामला इस तरीके से, हमारे उनके साथ समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट लैक्स का, ऑलमोस्ट 1 मिलियन का तो हमारा चला होगा, मिलियन से ऊपर ही चला होगा उनके साथ, हफ्तों में उनके साथ इतना अच्छा बिजनेस चला। एग्जैक्टली, तो बड़ा अच्छा बिजनेस हमारा उनके साथ चला था बिल्कुल विद इन अ फ्यू वीक्स। लेकिन एक इस तरह का मिसअप हुआ जिसमें उन्होंने मैं कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं दी, इवन दो वी हैड एन एविडेंस कि उन्होंने हमारे पास उनके साइन हुए पड़ी एक रिसीप्ट थी कि वी हैव दिस नंबर ऑफ पीसेज इन दिस ऑर्डर, बट वो पीसेज कम पहुंचे कस्टमर के पास, दे जस्ट वैनिश्ड इन द थिन एयर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, देखें अब सेंटर में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई। एग्जैक्टली आप सेलर थे, यहाँ बायर था, सेंटर में वो पार्टी आ गई जिसने आपकी शिपमेंट को लेके जाना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ आपकी बात से पहले कि लेकिन बायर की नज़र में आप दोनों पार्टीज एक ही हैं, आप दोनों पार्टीज एक ही हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है, चैलेंज होता है। फिर सेलर की नज़र में एक जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि यार कस्टमर जो है वो दोगलापन कर रहा है, ये जानबूझ के जो है ना मुझे लपेटने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल। अब आप देखें कि इन अ होल सोसाइटी हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो इस वजह से नहीं है सर कि हम उस चीज़ का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, मेरा जिधर कहीं ना कहीं दाल लगता है मैं लगाता हूँ, बिल्कुल आपका लगता है, मतलब हर बंदा कोशिश करता है मेरा दाल लग जाए बस। बल्कि ऐसा होता है कि मैंने किसी से मोबाइल मंगवाया, इवन के कस्टमर्स भी हमने बड़ा बिजनेस के ऊपर क्रिटिसाइज कर लिया कि वो एक वैलिड क्रिटिसिज्म हमने किया अभी तक, लेकिन कस्टमर्स को उन्होंने बिल्कुल अभी तक थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। कस्टमर्स भी ऐसी हरकतें करते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन मंगवाया, बॉक्स रिसीव किया, उसके अंदर गलत चीज़ रखी, असल चीज़ निकाल के गलत चीज़ रखी और ऊपर से कंपनी को रिपोर्ट कर दिया कि ये इन्होंने मुझे गलत चीज़ भेजी। अब फिर कहते हैं जी अमेजोन ने हमें बैन कर दिया। एग्जैक्टली, फिर कहते हैं ये फिर दराज को कंप्लेन कर देंगे, फॉर एग्जांपल कि सेलर ने मुझे रॉन्ग आइटम भेजा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि हमें मतलब अवेयरनेस की बात है, अब एज अ सेलर आपको चाहिए कि आप उसकी पैकिंग की वीडियोज रिकॉर्ड करें और आपके जो कंपनी का वेयर हाउस है वहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे हों, लाजमी इंस्टॉल हों कि वो ब्लू एक्स वाला, कॉल कुरियर वाला, टीसीएस वाला आया है, उसने पैकिंग से लेके गाड़ी में रखने से और गाड़ी के निकलने तक की सारी फुटेज मौजूद है। इसमें एक चीज़ है वगैरह कि हर बंदा हो सकता है, क्योंकि हमारी कुछ बहनें जो घर पे बैठे कुछ काम कर रही हैं, होम बिजनेस ओनर्स, ड्रॉप शिपिंग भी करती हैं, वो कि यार शालमी से या बड़ी होलसेल मार्केट से माल उठाया और सेल कर दिया, उसमें उनके पास सीसीटीवी फैसिलिटेशन नहीं होती, नहीं होती। लेकिन उसमें डेफिनेटली फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप मोबाइल रिकॉर्ड करें, ठीक है, आप एक हर पार्सल की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास आर्काइव में रखें, वो पार्सल जब डिलीवर हो जाए, कस्टमर को पहुंच जाए, आपने कॉल करके शोर कर लिया, उसको पसंद आ गया, आप डिलीट कर दें। बिल्कुल ठीक है, आपको यही इशू होगा ना कि यार मेरी मोबाइल की आर्काइव जो है फुल हो रही है। लेकिन कम से कम ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, जहाँ पे हम इंश्योर कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट को भी और ये स्कैम्स की अवॉइडेंस भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल,
तो एट द एंड फिर यह है कि अवेयरनेस कस्टमर के लेवल पे भी, बिजनेस के लेवल पे भी, तब जाके हम एज अ सोसाइटी हम एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस, अल्टीमेटली अच्छा बिजनेस एक्सपीरियंस सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारी पॉडकास्ट बड़ी अच्छी लगी हो। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह नई भी इस तरह की डिस्कशंस करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बिजनेस के हवाले से, स्टार्टअप्स के हवाले से, और इवन के कस्टमर्स के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।